जो तेरा हिप्पी वाला बर्थडे है अनुपमा, हिप्पी बर्थडे टू यू। हिप्पी बर्थडे टू यू, हिप्पी बर्थडे टू यू, हिप्पी बर्थडे डियर अनुपमा, हिप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे है मी। जय श्री कृष्ण। ये तो खराब हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं, सब ठीक कर लेंगे। आप घर के अंदर आए कैसे? कल समर से मिला था तो उससे चाबी मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं, आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना? हाँ, दरअसल सोचा मैंने यही था कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे उठने से पहले मैं तुम्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट तैयार करके दूंगा, लेकिन इसकी वजह से पता नहीं कौन सा ब्रेकफास्ट बन गया, सॉरी। कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठकर आपका इतना अच्छा डांस देख लिया, बहुत अच्छा था। वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता ऑर्डर किया था। ओ। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है तो कोई काम नहीं करेंगे, बस साथ में समय बिताएंगे, चलेगा? चलेगा। चाय? दौड़ेगी। दौड़ेगी क्या, आप बनाएंगे? अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है तो मैं छुट्टी पे हूँ, कोई काम नहीं करूँगी। मैंने वैसे भी हम दोनों के लिए बाहर से गुजराती नाश्ता ऑर्डर किया था। पर मैंने कॉफी, कोई बात नहीं, मैं चाय बना दूंगा, कितना टाइम लगेगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो क्या मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? अभी भी दे सकते हो? ऐसे कैसे? मैं तो अपने दिल की बात बापूजी और सबके सामने कहूंगी। लो, आ गया शाह परिवार बीच में।
जय श्री कृष्ण बापूजी। थैंक यू हम मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी एकदम बराबर टाइम पे आएंगे ना अनुज साथ में ही आएंगे बापूजी आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं मैं सोच ही रहा था कि आप फोन कब करेंगी मम्मी ब्रेकफास्ट बन गया अनु को सरप्राइज दे दिया और गिफ्ट का क्या हुआ ब्रेकफास्ट जल गया सरप्राइज स्पॉइल हो गया और गिफ्ट अभी तक मेरी जेब में कभी तो मेरी उम्मीद पे खरा मत उतरा कर अरे कोसना बंद कीजिए और आगे मेरा प्लान सुनिए मैंने काले मोतियों की एक माला बनाई है जपने के लिए ठीक है अरे तू जिस स्पीड से चल रहा है ना तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में हिमालय के पहाड़ पे माला ही जपता दिखेगा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो जब देखो घोड़े पे सवार होते हो अरे मैंने काले मोतियों की माला के अंदर वो डायमंड की रिंग डाल दी है मतलब रिंग भी और मंगलसूत्र भी करेक्ट सगाई और शादी एक साथ आप तो तू थोड़ा थोड़ा मेरी तरह सोचने लगा है कब पहना रहा है अंगूठी और मंगलसूत्र अरे मम्मी मेरा बस चले तो मैं तो अभी पहना दूं पर सामने से सिग्नल मिले तब तो करूं ना आप सही कह रहे थे प्यार में इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पहले लगता था कि खुशी से मर जाऊंगा अब लगता है कि इंतजार करते करते यूं ही जान निकल जाएगी